दोस्तों आप सभी लोगों ने यूनिकॉर्न हॉर्स और पेगासस हॉर्स का नाम जरूर सुना होगा। तो आपने इन्हें मूवीज, शोज और कहानियों में जरूर देखा होगा। लेकिन आपके मन में कभी ना कभी सवाल जरूर आया होगा कि क्या वाकई में यूनिकॉर्न हॉर्स और पेगासस हॉर्स होते हैं? सच्चाई जानने के लिए क्या वाकई में पेगासस हॉर्स होते हैं या नहीं, इस वीडियो को पूरा देखते रहें। यूनिकॉर्न एक शानदार घोड़ा है जिसे अक्सर सफेद रंग का दिखाया जाता है और माथे पर एक सींग सामने की ओर निकला होता है। वहीं पेगासस की बात करें तो वह भी एक शानदार घोड़ा है जिसे उड़ने वाले घोड़े के रूप में दिखाया गया है। परंतु प्राचीन किंवदंतियों और जीवित लिखित स्रोतों में आज भी यह सवाल अनसुलझा है कि यूनिकॉर्न और पेगासस मौजूद हैं या नहीं। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि यूनिकॉर्न एक जादुई जीव है जिसके सींग में जादुई शक्तियां होती थी। इस सींग से सभी तरह की बीमारियों को खत्म किया जा सकता था, यहाँ तक कि जहरीले पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता था। यूनिकॉर्न को सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन मोहरों में भी दर्शाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मोहरों पर एक सिंह वाले पशु अंकित थे। हालांकि यूनानी पौराणिक कथाओं में यूनिकॉर्न और पेगासस जैसे किसी भी घोड़े का उल्लेख नहीं है, लेकिन यूनानी लेखकों के प्राकृतिक इतिहास के विवरणों में इसका उल्लेख है, जिसके अनुसार इनके पैरों में काफी फुर्ती थी और जिसका एक सिंह था जिसकी लंबाई लगभग 28 इंच तक होती थी और जिसका रंग सफेद था। लेकिन यह सच है कि यूनिकॉर्न और पेगासस हॉर्स वाकई में कभी नहीं थे। ये तो बस एक काल्पनिक रचना है जो लोगों को काल्पनिक दुनिया का एहसास कराती है, इसलिए ये प्राचीन काल में भी नहीं थे और ना ही अब मौजूद हैं। ये दुनिया में कभी नहीं थे और ना ही अब हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।